अब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 120 दिन रोजगार मिलेगा। अब तक अकुशल मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जा रहा था, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। प्रदेश सरकार और ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, DRDA, परियोजना अधिकारियों और BDO को 120 दिन रोजगार प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। अब हिमाचल प्रदेश के अकुशल कामगारों को पहले के मुकाबले 20 दिन का रोजगार अधिक मिल पाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार को 100 दिन की बजाय 120 दिन कर दिया गया है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के अकुशल कामगारों को 120 दिन का रोजगार देने की घोषणा की थी। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्र में समय पर जरूरतमंद लोगों द्वारा रोजगार के दिन बढ़ाए जाने की मांग उठाई जा रही थी। अब प्रदेश सरकार और ग्रामीण विकास विभाग ने 120 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। पिछले कल ही ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश जारी नोटिफिकेशन के तहत सभी उपायुक्त, DRDA, परियोजना अधिकारियों और BDO को अकुशल कामगारों को 120 दिन रोजगार प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कई वर्षों से प्रदेश भर में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी ही सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी, लेकिन अब प्रदेश में 120 दिनों की गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे अब राज्य के अकुशल कामगारों के चेहरे पर खुशी आ गई है। मनरेगा के अंतर्गत जो प्रदेश सरकार ने एक बजट में, हिमाचल प्रदेश का जब बजट प्रस्तुत किया था, उसमें एक निर्णय लिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कि मनरेगा के जो हम 100 दिन मनरेगा के अंतर्गत लोगों को काम के लिए मिलते हैं, उसको बढ़ाकर हम 120 दिन करेंगे। इस जो बजट की ये जो एक घोषणा थी, इसको अमलीजामा पिछले कल पहनाया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो गांव के क्षेत्र में मनरेगा में लोग काम करना चाहते हैं, उनको अब 100 की बजाय 120 दिन मिलेंगे। ये लोगों की बहुत लंबी मांग थी, काफी समय से, पिछले 3-4 साल से लोग मांग कर रहे थे कि हमें मनरेगा में 100 की बजाय ज्यादा दिनों का काम मिलना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है, क्योंकि जो एक इसमें जो भारत सरकार का मनरेगा का एक्ट है, उसमें तो केवल 100 दिन के ही काम का प्रावधान है। यदि उससे ऊपर कोई राज्य काम देना चाहता है तो उसको उसकी दिहाड़ी जो है, उसके 100 दिनों से ऊपर की जो दिहाड़ी है, वो राज्य सरकार को खुद बहन करनी पड़ती है। तो लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये बहुत अच्छी पहल की है, और मुझे लगता है कि इसके जो लोग हैं, ना केवल उनके जीवन में खुशहाली आएगी, बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम भी हैं, इस योजना के सामने आएंगे। थैंक यू सर।